जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का हिंदी में पाठ। इससे पहले आप दो अध्यायों का पाठ हमारे से सुन चुके हैं, तो अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का, जिसका नाम है महिषासुर का वध। तो आप इस अध्याय की कथा का हिंदी में पाठ सुने। कृपया आप इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान से और श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो अब श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को भी मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींद डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया भद्रकाली जी, पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेज हीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यम धाम शीघ्र भेज दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से ताड़ा और दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ वेग द्वारा दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर महिषासुर सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुभ्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुभ्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा।
चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा भिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। यूं ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींद डाला, तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया, फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह देखते भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा, अपने सींगों से उठा उठा कर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपनी बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सूरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्द में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई, पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से भार निकालने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया, तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी, तब उस सारी सेना को देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की, गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तो इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का यहीं पर विश्राम होता है। तो श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा को आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। इससे आगे आने वाले सभी अध्यायों की कथा भी आप हमारे चैनल पर कृपया अवश्य सुने, और मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को, आगे कार्तिक महासमातम्भ की कथा और सभी व्रत कथाओं को आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण जी, जय माता रानी की।